फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर खूब बवाल हो रहा है। फिल्म में उन महिलाओं की कहानी दिखाने का दावा किया गया है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर इराक और सीरिया जाकर आतंकी संगठन ISIS ज्वाइन कर लिया। इस फिल्म का टीजर नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। टीजर में दावा किया गया था कि केरला की 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं ने इस्लाम धर्म कबूल किया। इसके बाद इन्हें सीरिया ले जाकर ISIS में शामिल करवाया गया। द केरला स्टोरी को विपुल अमृतलाल शाह की कंपनी सनशाइन पिक्चर्स ने बनाया है। सनशाइन पिक्चर्स ने फिल्म के टीजर को यूट्यूब पर जब पोस्ट किया तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा कि केरला की 32,000 महिलाओं के दिल दहला देने वाली और बेहद दुखी कर देने वाली कहानी चलता रही है। इसके अलावा द केरला स्टोरी के टीजर में एक्ट्रेस अदा शर्मा ये कहते हुए भी दिखाई दी कि केरला की 32,000 महिलाओं का धर्म बदलकर उन्हें सीरिया और यमन भेज दिया गया। अदा शर्मा ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने शालिनी उन्नीकृष्णन का किरदार निभाया है जो केरला के एक हिंदू परिवार की लड़की है जिसका धर्म परिवर्तन करवाया गया और फिर उसका नाम पड़ा फातिमा। लेकिन ट्रेलर में टीजर वाले दावे से बिल्कुल उलट ही बात सामने आई। दरअसल द केरला स्टोरी का ट्रेलर 26 अप्रैल को रिलीज हुआ। उसमें नर्स शालिनी उन्नीकृष्णन के फातिमा बनने तक की कहानी दिखाई गई है। कैसे उसे एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े लोगों ने भड़काया और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाया और फिर कैसे उसे ISIS की ओर से लड़ने के लिए सीरिया भेज दिया गया। सनशाइन पिक्चर्स ने ट्रेलर को भी टीजर की तरह ही यूट्यूब पर पोस्ट किया, लेकिन इसमें बेहद चौंकाने वाली बात देखने मिली। ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में दावा नहीं किया गया जो टीजर के डिस्क्रिप्शन में किया गया था। ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में 32,000 महिलाओं का आंकड़ा नहीं दिया गया। इसमें महज 3 लड़कियों की कहानी दिखाने का दावा किया गया। ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, दिल को दहला देने वाली सच्ची कहानी जो पहले कभी नहीं कही गई, एक खतरनाक साजिश का खुलासा जो भारत के खिलाफ रची गई। द केरला स्टोरी केरला के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानियों का संकलन है। सच्चाई हमें आज़ादी दिलाएगी। हजारों मासूम महिलाओं का व्यवस्थित तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया गया, कट्टरपंथी बनाया गया और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। ये कहानी उनका पक्ष बताती है। तो केरला स्टोरी के टीजर में जो 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन की बात कही गई तो इसे लेकर फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से सवाल पूछा गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में जवाब देते हुए कहा, 2010 में केरला के तत्कालीन CN ओमन चांडी ने विधानसभा के सामने एक रिपोर्ट रखी थी। उन्होंने कहा था कि इस साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही हैं। बस इससे अगले 10 सालों का हिसाब लगा लें, ये संख्या 30 से 32,000 होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमन चांडी ने 2010 में नहीं बल्कि 25 जून 2012 को कोर्ट में इस मामले पर बयान दिया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में इस बयान का जिक्र भी है। इसमें लिखा है कि ओमन चांडी ने अपने बयान में ये नहीं बोला था कि केरला में हर साल 2,667 लड़कियों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन हुआ है। उन्होंने जो आंकड़ा दिया था वो करीब 6.5 साल का था, यानी केरला में 6.5 साल में 2,667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया था। एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि महिलाओं के ISIS में शामिल होने पर ओमन चांडी ने कुछ भी नहीं बोला था। सीधे शब्दों में कहें तो केरला में कुल 32,000 लड़कियों ने इस्लाम धर्म कबूल किया, इसका कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है। अब ट्रेलर और टीजर के इन आंकड़ों के फर्क पर आपकी क्या राय है ये बताने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। खबर लिखी मेरे साथी अभय ने, मेरा नाम है सोनल। सिनेमा से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।